वेलकम गई जी, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का सभी का स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था किस टाइप से आप URI जो है परमिशन ले सकते हैं, और आज हम आपको दिखाएंगे किस टाइप से आप कॉपी एसेट कर सकते हैं, किस टाइप से आप जो है डिलीट कर सकते हैं आपका फाइल को बिना किसी देरी के, और उसके साथ साथ आप लिंक से कैसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक लिंक जो है यहाँ पर पेस्ट करना है इस टाइप से आपको किसी भी लिंक को, एंड आपको यहाँ पर जो है फाइल का लोकेशन देना है अगर आप देना चाहते हैं तो, एंड यहाँ पर आप डाउनलोड नाउ पर क्लिक करना है, आपका जो है लोकेशन पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डाउनलोड होने के बाद आप लोगों का कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर आप लोकेशन देना चाहते हैं वहाँ पर आप लोगों को चला आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम इन दोनों को डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ से हम डिलीट नहीं करेंगे, नीचे लिखा है डिलीट, तो यहाँ पर डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट आपका जो है सक्सेसफुली हो जाएगा। तो जो फाइल डाउनलोड हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पर दोबारा डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा रिएक्शन। यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो है लिंक से डाउनलोड होना यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड हो गया है। तो आज का वीडियो को चलो स्टार्ट मारते हैं, सबको काट देते हैं एंड आपको स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं। सबसे फर्स्ट में आपको स्केचवेयर वाले ऑप्शन पर जाना है, जहाँ पर हमने ख़त्म किया था वहीं से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर आपको इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आपने पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लेना। यहाँ से हमने ऑन एक्टिविटी रिजल्ट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, परमिशन को लगा देना है और फिनिश एक्टिविटी, ये हमने दिखाया था। और आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप कॉपी एसेट कर सकते हैं, फिर कैसे डिलीट कर सकते हैं, कैसे अनजिप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बटन हमने लिया है, किसी भी प्रोजेक्ट या किसी भी एक्टिविटी के अंदर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट में आप लोगों को बटन के अंदर जाना है, तो हम बटन के अंदर जाते हैं एंड आप लोगों को सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। ब्लॉक हमने पिछले वीडियो में ऐड किया था, अगर आपके पास ब्लॉक मास्टर APK नहीं है तो न्यू वर्जन का APK डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, फर्स्ट में आप लोगों को स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है सेट URI, यहाँ पर जाना है एंड आप लोगों को ऊपरी वाले ऑप्शन पे जाना है एंड आपको वेरिएबल पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ऐड वेरिएबल पे क्लिक करना है, यहाँ पर टाइप जो है यहाँ पर आपको लिखना है URI। तो यहाँ पर URI के लिखने के बाद नीचे आपको कुछ भी लिखना है, जैसे कि हमने इस टाइप से कुछ लिख दिया है एंड आपको ऐड कर देना है एंड ये जो है आपको स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने लिखा है URI, यहाँ पर हमारा जो है इसको सेट कर देना है। अब यहाँ पर देखो लिखा है फाइल लोकेशन, तो ये मेन चीज़ है आप लोगों को, तो ये आपको देखना है गौर से। तो सबसे उसके बाद हम क्या करेंगे, और हम दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। तो आपको क्या करना है, मोर वाले ऑप्शन पे जाना है, मोर ब्लॉक, यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड कर देना है। यहाँ पर जो है यहाँ पर लिखेंगे इंटर ए न्यू नेम, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर न्यू नेम देंगे जो कि जिसका नाम है कॉपी एसेट, कॉपी एंड यहाँ पर लिखेंगे एसेट्स। तो यहाँ पर कॉपी एसेट्स लिखने के बाद आप लोगों को जो है लेबल पर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है पर प्रोमोटर m.name, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे m. आपको एक डॉट देना है, m. लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, URI इस टाइप से आप लोगों को URI लिखना है, और यहाँ पर आप कुछ भी नेम इस टाइप से दे सकते हैं। फिर ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड कर देना है इस टाइप से, तो आपको दिखाई दे रहा है। फिर आप लोगों को यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है फाइल, तो आप लोगों को वहाँ पर नहीं, आप लोगों को यहाँ पर जो है लेबल पर लिखना है एसेट्स फाइल, एसेट्स फाइल लिखना है। फिर आपको बुलियन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस टाइप से, स्ट्रिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और नीचे आप लोगों को वेरिएबल नेम दिखाई रहा है, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है फाइल, यहाँ पर हमको लिखना है एसेट्स फाइल, एसेट्स फाइल हम लिखेंगे ऐड कर देंगे इस टाइप से, देख सकते हैं एसेट फाइल। नीचे हम लेबल पर लिखेंगे रियल और लिखेंगे फाइल, रियल फाइल, एंड फिर से स्ट्रिंग वाले ऑप्शन पर लिखेंगे रियल फाइल, रियल फाइल, और आपको ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड कर देना है। तो आपको कॉपी एसेट के अंदर जाना है एंड यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इस टाइप से लिखा है, ताकि मोर ब्लॉक के अंदर हमने सेट किया है ताकि हमारे जो है ठीक से वर्क करे, लैग ना करे। बहुत सारे डिवाइस पे लैग करते हैं, अगर ब्लॉक एक साथ सेट किया जाएगा तो ये लैग करना स्टार्ट कर देगा, तो यहाँ पर हमारा लैग नहीं करेगा। हमें कॉपी एसेट जो है यहाँ पर फर्स्ट आपको दिखाएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कॉपी URI रियल फाइल नेम एंड फाइल एसेट नेम। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या करना है, इस URI को उठाकर URI के अंदर चिपका देना है। यहाँ पर रियल फाइल नेम जो है यहाँ पर रियल फाइल नेम को यहाँ पर लगा देना है, एसेट फाइल जो नेम है यहाँ पर एसेट फाइल को लगा देना है एंड आप लोगों को क्या करना है, ऊपर में जाना है। ऊपर में जाने के बाद आप लोगों को कंपोनेंट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को टोस्ट नज़र आएगा, आप यहाँ पर किसी भी तरीके का टोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे फाइल कॉपी
एसेट सक्सेस SUS, तो फाइल कॉपी एसेट सक्सेस हमने लिखा है, यानी यहाँ पर लिखेंगे फाइल कॉपी एसेट फेल्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे फेल्ड फेल्ड। इस टाइप से आप लोगों को ऐड कर देना है, और आपको क्या करना है फिर से आपको इस टाइप से मोड ब्लॉक को ऐड करना है। यहाँ पर नेम पे देना है एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे EXTRA, आप कुछ भी नेम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लिखने के बाद इसके अंदर जाना है, स्क्रॉल करते रहना है, लास्ट वाला सब जाना है जिस ब्लॉक के अंदर आपने सेट करके रखा है। यहाँ पर लिखा है URI मोर ब्लॉक कॉपी एसेट एंड अनजिप, दोनों का हमने मोर ब्लॉक यहाँ पर सेट करके रखा है, तो आप यहाँ पर जो है लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अनजिप, अनजिप लेबल पर लिखेंगे एसेट, ऐड कर देंगे, देख सकते हैं अनजिप एसेट। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे m.uri एंड वेरिएबल पर लिखेंगे, कुछ भी लिखना है इस टाइप से ऐड कर देना है, देख सकते हैं हमने ऐड कर रखा है। एंड लेबल पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे फाइल FILE, तो यहाँ पर फाइल लिखेंगे FILE, इस टाइप से ऐड वाले ऑप्शन पे ऐड कर देंगे। वेरिएबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, स्ट्रिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रिंग सेलेक्ट कर लेना है, एंड यहाँ पर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे फाइल FILE फाइल, तो यहाँ पर एसेट लिखेंगे ASSETS एसेट्स फाइल, एसेट्स फाइल्स इस टाइप से लिखेंगे, ऐड कर देंगे, और आपको इस टाइप से लिखना है, ऐड कर देना है। तो देख सकते हैं अनजिप हमारा आ गया है। अब क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल करते रहना है, स्क्रॉल करने के बाद अनजिप को आपको एक ही साथ में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा अनजिप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कॉपी एसेट अनजिप, तो यहाँ पर URI जो था यहाँ पर घसीट कर यहाँ पर आपको टच कर देना है, सेट कर देना है, एंड आपको एसेट फाइल को कॉपी के अंदर इस टाइप से लगा देना है। तो हमारा दूसरा जो है कम्प्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बटन के अंदर, तो हमने फर्स्ट जो बटन लगाया था यहाँ पर आएंगे, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाएंगे जो कि हमने आपको दिखाना चाहता था। यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन, इस लोकेशन आपको क्या लिखना है वो आपको दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर परमिशन वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो परमिशन है हम यहाँ पर दे के रखे हैं एंड्रॉयड एक्सटर्नल स्टोरेज, तो फिर आपको यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉयड के जाएगा डाटा पे जाएगा, और bin.mt+ इस वाले ऑप्शन के अंदर जाके परमिशन लगेगा। तो आप लोगों को ये परमिशन दिया हुआ है, इसका लोकेशन देने का ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एंड्रॉयड पर जाना है, डाटा वाले ऑप्शन पे जाना है, MT+ वाले ऑप्शन पे जाना है। अब जिस फोल्डर के अंदर पेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप इसी यही पर पेस्ट करना चाहते हैं इसी जगह पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे आपको दिखाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारा इस जगह पर पेस्ट हो इसी लोकेशन पर, तो आपको वहाँ पर कुछ भी लोकेशन देने ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि हम इसके अंदर जाके पेस्ट हो ऐसे अंदर जाके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कैच के अंदर जाएंगे, टेम के अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाके अगर पेस्ट हो तो आपको क्या करना है, इसका जो लोकेशन है लोकेशन को कॉपी करना है। कैसे कॉपी करोगे, यहाँ पर पेरेंट जो फाइल है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे आना है, इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद आप लोगों को ये काट देना है, एंड काटने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बटन के अंदर जाना है। बटन के अंदर जाने के बाद आपको सिंपल सा प्रोसेस है, कॉपी एसेट अगर करना चाहते तो कॉपी एसेट को यहाँ पर लगाओ, फिर कॉपी करो, कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर जो है URI वाले ऑप्शन को सेट कर दो, सेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो है लोकेशन, अभी लोकेशन के अंदर इसको पेस्ट कर दो। एंड पेस्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जो है MT+ तक हमने परमिशन दे के रखा है परमिशन के अंदर, तो ये जो है आपको काट देना है, MT तक आपको इस टाइप से काट देना है। अब जाके आपका हो गया है, ठीक है। अगर आप अदर्स लोकेशन चाहते हैं जैसे कि कैच टेम, तो आपको ऐसे लोकेशन देना है। अगर चाहते हैं कि हमारा ओनली यहाँ पर ओनली, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर गौर से देखो, ओनली चाहते हैं कि इस जगह पर पेस्ट हो इस जगह पे, तो आपको यहाँ पर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो है कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। अगर चाहते हैं कि हमारे जो है कुछ अंदर जाए, तो अंदर जाने के लिए आपको अंदर का जो लोकेशन है इस टाइप से दे देना है, ठीक है, इस टाइप से, कोई अलग नहीं, इस टाइप से आपको बस पेस्ट कर देना है। एंड आपको यहाँ पर जो है एसेट फाइल का नेम डालना है, एसेट फाइल का नेम हम डालेंगे ए, एंड यहाँ पर रियल जो फाइल है रियल फाइल यहाँ पर लिखेंगे m.sdll, यहाँ पर कुछ भी लिखना है इस टाइप से, तो यहाँ पर सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोग को यहाँ पर आपको जो है एसेट वाले ऑप्शन पे जाना है, यहाँ पर आपका ऐड कर लेना है आपका फाइल जो भी है, यहाँ पर हमारा ABCD ID था, तो ABCD ID को मैंने सेव कर लिया है, एंड इसको काट कर हमने यहाँ पर एसेट फाइल में ए लिखा था, तो ए हम लिख कर सेव करेंगे इस टाइप से, आप देख सकते हैं।
हमने यहाँ पर लिखा है ए एन एम डॉट एस डी जी, इसका नेम पे जो है यहाँ पर सेव होगा। हमारा दूसरा जो बटन है, दूसरा बटन के अंदर जाएंगे, दूसरा बटन के अंदर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है क्या करना है, अंजीव बल ऑप्शन को यहाँ पर लगाएंगे, लास्ट बल ऑप्शन पे जाएंगे। अब आपको क्या करना है, फिर से वही सेम टू सेम प्रोसेस, इसके नीचे इसको अटैच कर देना है। करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, अब देख सकते हैं यहाँ पर जो है वेरिएबल पे जाना है। वेरिएबल पे जाने के बाद आप लोगों को और एक दूसरा URI जो है क्रिएट करना है, ठीक है। अलग अलग अगर टाइप का देना चाहते हैं तो दूसरा दूसरा क्रिएट जो है करना है। URI नीचे आप यहाँ पर ये इसे लिख देना है तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों का आ जाएगा। यहाँ पर सेट करेंगे, नीचे URI को सेट करेंगे। यहाँ पर फाइल लोकेशन, हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइल लोकेशन है एम्प्टी बिन तक रहे, तो यहाँ पर कुछ भी देने का ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम जो फाइल है जिप का नाम देना है, यहाँ सेट के अंदर से जिप का नाम, तो एक जिप हम क्रिएट करेंगे ए डॉट यहाँ पर डॉट, तो यहाँ पर डॉट यहाँ पर ZIP, इस टाइप से आप लोगों को जो है लोकेशन देना है ए डॉट जिप, ताकि हमारा जिप जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो सके। तो यहाँ पर देने के बाद आप लोगों को सिंपल सा प्रोसेस है, एसेट के अंदर जाके एक जिप जो है आप लोगों को लाना है। तो हम यहाँ से जो है इस ID को जिप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो नेम है सिलेक्ट करेंगे, इसका जो नेम है आपको लिखना है ए, क्योंकि हमने यहाँ पर एसेट के अंदर लिखा था ए डॉट जिप। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में आइकन दिख रहा है, यहाँ पर जाके हम ए डॉट जिप को ऐड कर देंगे। तो शायद ही आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया है। वो और एक चीज़ करना है आपको, इवेंट पे जाना है, वन क्रिएट बल ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पर आपको एक ब्लॉक ऐड करना है। ये ब्लॉक अगर ऐड नहीं है तो आपका वर्क नहीं करेगा। यहाँ पर राइट स्ट्रिंग, राइट स्ट्रिंग को आप लोगों को इस टाइप से आप लोगों को यहाँ पर कुछ भी लिखना है स्ट्रिंग, और यहाँ पर पार्ट बल ऑप्शन पर भी कुछ भी लिख दो, यहाँ पर जो है इसके ऑप्शन पे भी कुछ भी लिख दो, यानी यहाँ पर ऐड कर दो। ये अगर ऐड नहीं है तो कॉपी एसेट नहीं होगा, क्योंकि राइट स्ट्रिंग ना हो तो कॉपी एसेट नहीं होता है। तो ये वाला ऑप्शन के जाने के बाद हम इसे रन करेंगे, और शायद ही ये वाला वीडियो आप लोगों को कुछ जानकारी मिल गया है। आगे कौन सा वीडियो चाहते हो ये आप कमेंट करो। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इसे डिलीट करा, तो नेक्स्ट वीडियो पर हम दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी हो गया है वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे किस टाइप से डिलीट किया जाता है और डायरेक्टली जो है लिंक से डाउनलोड किया जाता है। तो यहाँ पर और भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम तरह तरह की वीडियो डालेंगे आप लोगों के लिए, और आप कुछ सीख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपडेट कर देते हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट पहले से ही इंस्टॉल है इसे अपलोड अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद जो है यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद इसे हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद आप लोगों को दिखाएंगे, यहाँ पर बटन पर क्लिक करेंगे। तो बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो फाइल है ये सक्सेसफुली हो गया है, और यहाँ पर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर कोई टोस्ट हमने नहीं दिया था, शायद आप टोस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर जो है फाइल के अंदर जाएंगे, एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर जाएंगे, डाटा वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो फाइल था यहाँ पर आ गया है, और इसके अंदर जाके हमने एक फाइल दिया था m.sdgg नाम का, तो ये फाइल भी आ गया है। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट गाइज़।